अगर कोई नया बंदा माइनक्राफ्ट खेलना स्टार्ट करता है तो अगर वो डेली 1-1.5 घंटा भी खेले तो एक हफ्ते के अंदर ही वो बंदा माइनक्राफ्ट से पूरा का पूरा बोर हो जाएगा। और इसी बोरियत को हटाने के लिए मैं आप लोग के लिए लाया हूँ माइनक्राफ्ट के 5 ऐसे एडवेंचर मोड्स जो कि आपको खेल के बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और इसको खेलने के बाद तो आप बोर कभी भी फील करोगे ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, नेदर प्लस मोड। इस मोड को खेलने के लिए आपको अपने गेम में सभी के सभी एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले ऑप्शंस को ऑन करना पड़ेगा। और आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये मोड ओवरवर्ल्ड के लिए नहीं है, ये नेदर के लिए है। नेदर तो अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा डेंजरस डायमेंशन है, और उसके बाद अगर आप इस मोड को एक्टिव कर लेते हो तो वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इस मोड को ऐड करने के बाद से आपको अपने नेदर में इन्फर्नल गोलम और ब्लडी मीट जैसे 24 नए एंटिटीज देखने को मिल जाएंगे, जिनसे आप फाइट लेके अपने गेम को और भी ज्यादा एडवेंचरस बना सकते हो। नंबर 2, मिथिकल्स क्रिएचर्स मोड। इस मोड को अपने गेम में लगाने के बाद से आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स देखने को मिल जाएंगे। इस मोड में आपको जितने भी टाइप के क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे सभी हॉस्टाइल होंगे। मुझे इस मोड में सबसे बढ़िया क्रिएचर वेयरवुल्फ लगा है, जो कि दिन के टाइम पे कुछ ऐसा रहेगा और रात के टाइम पे ये वुल्फ बन जाएगा। भाई लिटरली एक बार इसका आवाज तो जरा सुन के देखो। इस मोड में जितने भी क्रिएचर्स दिखाए गए हैं सभी का हेल्थ 40 हर्ट्ज से लेकर 150 हर्ट्ज तक होता है। कुछ क्रिएचर्स आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग बायोम में मिलेंगे, और कुछ क्रिएचर्स रात के टाइम पे केव में मिलेंगे। और हाँ, इस मोड को खेलने के लिए आपको अपना एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले ऑन नहीं करना पड़ेगा। नंबर 3, अल्टीमेट स्कॉर्पियन बॉस। इस मोड में आपको ज्यादा कुछ देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक स्कॉर्पियन बॉस देखने को मिलेगा जिसको कि आपको सर्वाइवल में मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। फॉल डैमेज और लावा से इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। नंबर 4, रेड्स मोर स्ट्रक्चर्स। इस मोड को अपने माइनक्राफ्ट में लगा लेने के बाद से आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बड़े बड़े देखने को मिल जाएंगे, और इन सब स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको बहुत ही अच्छा खासा लूट भी मिल जाएगा और बहुत ही अच्छे खासे ज़ॉम्बीज भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर जाके पहले आप ज़ॉम्बीज से फाइट लें, और उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा खासा ट्रेजर भी देखने को मिल जाता है। इस मोड को खेलने के लिए आपको अपने वर्ल्ड का एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले ऑन करना पड़ेगा। नंबर 5, पॉकेट मिथियोलॉजी बॉसेस। ये मोड मेरा वन ऑफ द फेवरेट मोड है, क्योंकि इस मोड में आपको ऐसे ऐसे और ऐसे टाइप के क्रिएचर्स देखने को मिल जाते हैं, और इन सारे क्रिएचर्स से फाइट लेने में भी बहुत ही ज्यादा मजा आता है। ये सारे क्रिएचर्स आपको ग्रीक मिथियोलॉजी पे बेस्ड मिल जाएंगे, पानी के नीचे फाइट लेना तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है, और इसमें पानी के अंदर आपको कुछ इस टाइप का जलपरी भी देखने को मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज और, इस मोड को खेलने के लिए आपको अपने वर्ल्ड का एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले ऑन करना पड़ेगा। उम्मीद है ये सारे मोड्स आपके गेम को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, और अगर आपको कोई ऐसा मोड चाहिए जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है और आपको वो खेलना है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं 1-2 दिन में वीडियो लाने का कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।